उस वक़्त में 18 साल, मैं बीकॉम फाइनल ईयर में था उस वक़्त दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैं उस वक्त शायद साउथ गया हुआ था मद्रास। वहाँ मुझे मालूम चला, जैसे अखबारों में आता है नॉर्मल कि भाई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है, तो हम तो लोग शाखा में जा, शाखा के हम तो इस वक्त शाखा में जाया करते थे। आरएसएस पे बैन लग गया था मेरे घर पे, हम जो पेपर, हम जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था वो मेरे घर से होता था, जो हमारी उसमें बड़ा देख के करते भाई, आज दो दिन हमारे अलग अलग होता भाई, कहाँ का भाई पता ना चल जाए। मेरा हमारा घर छुप पर छत थी, हमारी छत पे हमारी प्रॉपर कमरे कह लीजिए आप उसको, मशीन थी हमारे पास, किसी को पता, रातों रात सब काम होते थे। और तब हमारे घर वाले सो गए और वो चुपचाप कैसे वो आना, बस आवाज़ देने, वो मैंने किवाड़ खोल देता था कि भाई मशीन, फिर वो मशीन आ रही है चुपचाप, भाई उन्होंने दो दिन के रखना है बस, क्योंकि ताकि पता ना लगे इस चीज़ का। फिर वो पूरा रात भर वो छपाई करना और पोस्टर ले जाना, फिर नेक्स्ट डे एक, फिर भैया अब नहीं भाई पता ना चल जाए। अब भविष्य तो हम समझते नहीं थे, बोले यार तेरी बीकॉम फाइनल ईयर है, तू कहाँ, तुझे आगे बढ़ना था, तू ऑलमोस्ट हम दो महीने रहे मतलब वो बात। और देखिए अब सोचते हैं कि हाँ फ़र्क तो पड़ता है। देखो मेरे थर्ड डिवीज़न आई, मैं फर्स्ट डिवीज़न था एक्चुअली में उस वक्त, बाद में मुझे कहीं भी कोई दाखिला कहीं मिला ही नहीं, ना मैं सीए कर सका ना, क्योंकि वो थर्ड डिवीज़न थी, उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। गवर्नमेंट ये तो कहानी कही, आप जेल में गए हो तो भाई चलो भाई आपको हम 5% किया 2% किया आपको ग्रेस दे देते हैं, आप एलिजिबल हो। तो वो हम तो पढ़ाई के हिसाब से वो नीचे भी नीचे गए। आज सोचता हूँ तो लगता है कि हाँ यार ठीक है, फ्यूचर का तो फ़र्क पड़ा ही है।